उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर परत दर परत खुलती जा रही है। मामले में जांच कर रही पुलिस और एसआईटी को एक के बाद एक अहम सुराग मिल रहे हैं। विदेशी फंडिंग मामले में पीएफआई, भीम आर्मी और खनन माफिया के कनेक्शन मिलने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां बैंक खाते खंगाल रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि विदेश से पैसे आए हैं। इन पैसों को कई गैंगों तक पहुंचाया गया है। जांच के दौरान दावा किया गया है कि यूपी में जातिगत अराजकता फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की विदेश से फंडिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो जांच के दौरान ये संकेत मिले हैं कि हाथरस केस में भीम आर्मी ने विवाद पैदा किया। आरोप है कि भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता पीड़िता के परिवार के बीच उनके घर के सदस्य बनकर रह रहे थे। वे लगातार पुलिस प्रशासन और मीडिया से बात भी कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि उन्हें इस बारे में जानकारी तब हुई जब पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने के लिए लिस्ट बनाई जा रही थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि लिस्ट बनाने के दौरान ये पता चला कि इस मामले में एक युवती लगातार बयानबाजी कर रही थी। वो पीड़िता के परिवार से अलग थी। उसके अलावा दो और युवक वहां पर मौजूद थे। पुलिस को शक है कि तीनों भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे जो यहां से लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में केरल के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद जांच के दौरान भीम आर्मी और पीएफआई के इस मामले में संलिप्त होने के संकेत मिले हैं। अब पुलिस ने दोनों की मिलीभगत को लेकर जांच शुरू कर दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर हो रहे खुलासे पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को साजिश की आड़ में छिपा रही है। ओवैसी ने कहा है कि वेबसाइट तो अजीबोगरीब है, उसकी बुनियाद पर साजिश कर रहे हैं। जहां कहीं भी सरकार से गड़बड़ी हो वहां साजिश बना दिया जाए, ये पुरानी कहानी हो चुकी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।